सलामकुम वकास यार, क्या हाल है? खैरियत है? वालेकुम सलाम जमशेद, तुम कब आए? खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। आओ बैठो यहाँ पे। वकास यार, क्या है यार, लॉकडाउन में ना घर से बाहर निकल रहे हैं, ना कुछ हो रहा है, एंटरटेनमेंट ही नहीं है जिंदगी में। मैं घर में बैठ बैठ कर 2 हफ्तों से बोर हो गया हूँ। अच्छा जमशेद, फिर तुम्हारी डेली रूटीन क्या होती है? बस यार क्या बताऊं, सुबह को मैं उठता ही नींद से लेट से हूं। उसके अलावा क्या है, सारा दिन फेसबुक और पबजी में मैं लगा रहता हूं। पबजी में बहुत मजा आता है, कभी नेट है कभी नहीं है। उसके अलावा घर का खाना करता हूं, कभी कभी ऑनलाइन क्लासेस भी चल जाते हैं, कभी ऑनलाइन क्लास समझ आती है कभी नहीं आती, बोर हो चुका हूं मैं यार। अच्छा फिर तुम्हारी कौन सी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, और तुम घर में कोई काम वगैरह नहीं करते? बस क्या करूं, सारा काम घर वाले करते हैं, सारी घर की औरतें लगी हुई हैं कामों में, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं। ठीक है, हम मर्द कुछ नहीं करते घर में। अरे पागल, ऐसे करोगे तो तुम बहुत डीट हो जाओगे, वजन देखा है अपना कितने बढ़ गए हो, घर का काम खुद भी थोड़ा कर लिया करो। वकास यार तुम ही बताओ मैं क्या करूं। ये बात ध्यान से सुनो, सबसे पहली बात ये कि तुम सुबह को जल्दी से उठ जाया करो, और 30 मिनट तक तुम एक्सरसाइज किया करो, एक्सरसाइज करो या फिर योगा करो, क्योंकि इससे क्या होगा, तुम सारा दिन एक्टिव भी रहोगे और तुम्हारा ब्रेन भी फ्रेश रहेगा। अरे यार क्या करूं, सुबह मैं जल्दी उठ ही नहीं पाता नींद से। जमशेद यार मेरी बात ध्यान से सुनो और उस बात को समझने की कोशिश करो, अगर तुम सुबह को जल्दी से नहीं उठ पाते तो तुम रात को सवेरे सोया करो, और सुबह को ऐसे तुम जल्दी से उठ जाओगे, और अगर तुम सुबह को ज्यादा सोओगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा कि तुम्हारा ब्रेन डैमेज हो जाएगा। वाकई यार ये क्या हकीकत है? हाँ हाँ यार ये वाकई हकीकत है, और उसके अलावा मैं तुम्हें कुछ सजेशंस भी दे रहा हूँ कि तुम उस सजेशंस पर अमल करो, और इससे क्या होगा कि तुम्हारी लॉकडाउन की सारी एक्टिविटीज और तुम्हारी स्किल्स भी डेवलप हो जाएंगी। सबसे पहले तुम ये काम करो, अगर तुम्हें अपने ऑनलाइन क्लासेस के लेक्चर समझ नहीं आते तो बराए मेहरबानी करके तुम उसको समझने की कोशिश करो, और यूट्यूब से भी लेक्चर्स पढ़ो, यूट्यूब पे हर एक टॉपिक का लेक्चर पढ़ा हुआ है, तुम वहां से भी सीख सकते हो। और तुम घर में कपड़े अगर इस्त्री नहीं करना चाहते, कपड़े कैसे प्रेस करते हैं और कैसे इस्त्री करते हैं, तो तुम अपने कपड़े खुद प्रेस करो, इससे क्या हो जाएगा तुम्हें ये पता भी चलेगा। और इसके अलावा ये जो तुम सारा दिन मोबाइल पे लगे पड़े हो, टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हो, पबजी खेल रहे हो, ऐसे तुम्हारा ये दिमाग खराब ना हो जाए, कुछ स्टडीज पे भी ध्यान दो, और घर में अपने बहनों का, अपनी अम्मा का, अपनी माँ का, सबका हाथ भी बटाओ, उसकी हेल्प करो, तुम कुकिंग में उसकी मदद करो, सफाई में उसकी मदद करो, ये भी एक्स्ट्रा स्किल्स है। जरूरी नहीं है कि हम इसलिए यहाँ पे हैं सिर्फ टेक्नोलॉजी पर बैठे हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे सारा दिन बैठे हो तुम, उस पर पबजी पे, और अपने आप को देखो थोड़ा, अपने आप को चलाओ, ऐसे नहीं करो। यार तुम्हारा बहुत बड़ा शुक्रिया, मैं आइंदा तुम्हारी बात पर अमल करूंगा, रात को जल्दी से सो जाऊंगा, और उसके अलावा मैं ऑनलाइन क्लासेस जो समझ नहीं आएगा मैं यूट्यूब से लेक्चर सुनूंगा और अच्छे तरीके से उसकी प्रैक्टिस भी करूंगा घर पे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आइंदा से मैं लॉकडाउन में वो सारी चीजें करूंगा जो तुमने मुझे बताई, इस वजह से मैं अपने आप को एक्टिव भी रखूंगा। ठीक है यार अब मैं चलता हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत बड़ा शुक्रिया, तुमने मुझे ये सारी अच्छी बातें बताई कि लॉकडाउन में मैं अपना दिन कैसे गुजारूं। यार मैं कोशिश करूंगा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, अपनी स्किल्स को मैं जरूर डेवलप करूंगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चलता हूँ।